हेलो फ्रेंड्स, किड्स लंच बॉक्स रेसिपी एपिसोड 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल रात से ही बारिश इतनी जोरदार हो रही थी कि मन था कि सुबह कुछ स्पेशल खाया जाए जिससे आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत तो ना ही पड़े। तो मैं आज अपने किचन में बना रही हूँ एक स्पेशल लंच रेसिपी जो कि सबको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं और इस रेसिपी को आप प्लीज पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिए हैं बासमती राइस, जिसको धो के मैंने अच्छे से ले लिया है। फिर इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैंने इसको रख दिया है साइड में 15 to 20 मिनट। अब यहाँ पे मैंने कल रात ही जब सोच लिया था कि कुछ स्पेशल बनाना है, तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करी है शाही पनीर के लिए ग्रेवी। तो 2 टमाटर, 1 मीडियम साइज का प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 7 से 8 काजू और नमक स्वाद अनुसार डाल के मैंने इसको अच्छे से बॉईल करा 1 कप पानी में और इसको ठंडा करके पीस लिया, बिल्कुल फाइन प्यूरी बना ली। और अब यहाँ पे मैंने 150 ग्राम लिया है पनीर। तो आज का शाही पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको बताऊंगी जिससे आप भी परफेक्टली बना पाएंगे। और कढ़ाई को मैंने करा है मीडियम फ्लेम पे गरम और इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच जितना कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच देसी घी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1/4 चम्मच डाला है हींग और 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल धीमी आंच करके। फिर इसमें मैंने डाल दिया है ये ग्रेवी, मैंने पहले ही बना के रख ली थी रात को। इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पे ही गर्म करूंगी, क्योंकि मुझे इसको सबसे पहले तो इसके हाई टेम्परेचर पे लेके जाना है, जिसके लिए मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ बस, क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है तो ज्यादा इसमें मुझे नहीं करना है तामझाम। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये गरम मसाला 1 चम्मच और ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए। अच्छे से इसे हल्का सा स्टर कर देंगे। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी ये पनीर, पनीर में इसी स्टेज पे ऐड कर दूंगी और आप चाहे तो इसको एंड में भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छे से मैंने पनीर को सॉफ्टली चला लिया है। फिर इसमें डालेंगे हम ये स्वाद अनुसार नमक, नमक के साथ इसको अच्छे से चला दें हल्के हल्के। आप स्टेप बाय स्टेप डालेंगे तो आपका फ्लेवर जो शाही पनीर में है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। अब यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच डाली है चीनी, चीनी के साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको ढक के बस 5 से 7 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पे दम दूंगी। इसको मैंने साइड वाले बर्नर पे कर दिया है शिफ्ट। अब बनाऊंगी यहाँ पे इसके कॉम्बो के लिए मटर पुलाव। तो यहाँ पे कुकर को मैंने गरम कर लिया है, 1 चम्मच डाला है कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच डाला है देसी घी। इसमें डालूंगी 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी चम्मच मैंने डाली है जीरा, थोड़ा सा मैंने हींग भी डाला है और अब इसमें मैंने डाले हैं ये 1/2 कप जितने फ्रोजन मटर। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश मटर का यूज कर सकते हैं। मटर को अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे सोक करे हुए बासमती राइस। आप यहाँ पे कोई सा भी राइस यूज कर सकते हैं, सभी बहुत अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है नमक या फिर स्वाद अनुसार, क्योंकि पुलाव में ना नमक का खुद का सेपरेटली टेस्ट होना भी जरूरी है तो खाने में और भी ज्यादा लजीज लगते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिला दिया है नमक को चावल के साथ। और यहाँ पे मैंने इसी कटोरी से राइस लिए थे तो इसी कटोरी का 1.5 कटोरी पानी ले रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है आपके पुलाव के लिए अगर आप उसको क्लोज वाले पॉट में बना रहे हैं लाइक प्रेशर कुकर। अब इसको अच्छे से मैंने चला दिया है। फिर इसमें डाला है मैंने हरा धनिया बिल्कुल बारीक कट करके, थोड़ा सा मैंने नींबू निचोड़ दिया है जिससे राइस ना बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे। अब अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया, कुकर का ढक्कन किया बंद और इसमें मुझे लगानी है सिर्फ 2 सीटी, जो कि पहली है हाई फ्लेम पे और दूसरी है मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे शाही पनीर के देख लेते हैं हाल। शाही पनीर बिल्कुल बनके तैयार सा हो गया है। अब इसको ढक के मैंने गैस ऑफ कर दी है, इसको टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करेंगे। यहाँ पे पहली सीटी मेरे पुलाव की आ गई है तो इसका फ्लेम मैंने मीडियम करा और दूसरी भी आ गई है। अब इसको ठंडा होने देंगे। हमारा शाही पनीर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना ये फ्रेश क्रीम और हरा धनिया। इस स्टेज पर फ्रेश क्रीम डालने से इसमें जो टेस्ट आएगा ना वो सचमुच रेस्टोरेंट के शाही पनीर को भी फेल कर देगा। तो फाइनली हमारी शाही पनीर बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे प्रेशर कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो गया है तो पुलाव भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जबरदस्त से मटर पुलाव बनके तैयार हो गए हैं।
बहुत ही अमेजिंग आज मैंने लंच कॉम्बो बना दिया है, मुझे खुद ही खाने का मन हो गया है। तो इसको अच्छे से अब साइड में रख देते हैं। यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं नाश्ते की, क्योंकि मैं पराठे बना के अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में और किया के लिए दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गरम करा, उसमें डाला 2 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। तो मैं यहाँ पे पीनट ऑयल का ही यूज करती हूँ, खासकर पोहा बनाने के लिए, तो या गुजराती डिशेस वगैरह बनाने के लिए। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 1/4 कप जितने मूंगफली के दाने जो कि कच्चे हैं। इसको मैंने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से सेका है, जब तक कि इसकी स्किन स्प्लिटर ना होने लग गई। और अब इसमें डाले हैं थोड़े से मैंने काजू। काजू चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे मूंगफली के पूरे फ्राई होने के 1 मिनट पहले ही आप डालें। तो ये देखिए काजू और मूंगफली हो गए हैं तैयार, इसको साइड रखूंगी। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच जितना सरसों के दाने और 1/4 चम्मच डाली है हींग, 1 छोटी चम्मच डाली है मैंने जीरा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये सबसे खतरनाक काम, करी पत्ता, जो बहुत ही ज्यादा पॉप हो रही थी। मुझे डर सा लग रहा था तो मैं बार बार पीछे जा रही थी। तो ये थोड़ा सेटल डाउन हुई तो मैंने इसमें डाला है 1 मीडियम साइज का चॉप करा हुआ प्याज। इसको ज्यादा आपको नहीं सेकना है, 1 मिनट के लिए चलाएं, फिर इसमें डालें 1 मीडियम साइज का बॉईल करा हुआ आलू, क्योंकि आज ये जो पोहा है ना ये आलू वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है, साथ ही हेल्दी भी है। प्याज के साथ अच्छे से मैंने 1 मिनट के लिए आलू को सेका, फिर इसमें डाला टमाटर और शिमला मिर्च भारी कटा हुआ, और इसमें नमक डाला स्वाद अनुसार। अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए मैंने टमाटर के सॉफ्ट होने तक चलाती रही मीडियम फ्लेम पे। फिर बीच में मैंने बनाया एक स्पेस जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प होगी हल्दी को भूनने की। तो 1 चम्मच हल्दी लिया है और इस तरीके से मैंने इसे भून लिया है। फिर इसको मिला दिया है सारे सब्जियों में अच्छी तरीके से, इससे ना पोहे का कलर अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 कप पोहे को अच्छे से भिगो के रखा था, यानी पानी इसका ड्रेन कर दिया था। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है ना बिल्कुल ब्राइट सा ना आ जाए। देखिए हल्दी अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं ना तो पोहे में आएगा ही अच्छा कलर। अब इस 1 छोटा चम्मच डाला है चीनी का, क्योंकि मेरे को थोड़ा पोहे में मीठापन पसंद है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से इसे मैंने मिक्स किया है, बस 1 से 2 मिनट के लिए चलाया है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी का मैंने कोने कोने में छींटा मारा है, क्योंकि मुझे इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के स्लो फ्लेम पे पकाना है। बस ये बहुत ही टेस्टी सा पोहा 2 मिनट में बनके तैयार। और इसमें डाल दूंगी मैं ये फ्राइड करी हुई मूंगफली, काजू, और इसको चलाएंगे अच्छे से। फाइनली इसको हरे धनिए से मैं कर रही हूँ गार्निश। तो आज का ये जो सुपर टेस्टी नाश्ता और लंच है ना ये बनके तैयार हो गया है। हस्बैंड का लंच बॉक्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, पराठे बना दिए हैं और ये तैयार है सब कुछ। अब किया का मुझे लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है, तो लंच बॉक्स मैंने ले लिया है किया का, यूनिरैप सेट कर दिया है। ये मैंने एक तिकोना सिंपल सा पराठा मैंने बनाया है और इसको मैं पैक करके दे रही हूँ किया के लिए, और इसके साथ दे रही हूँ ये भीगे हुए बादाम, काजू, साथ में मैं एक खजूर दे रही हूँ, एक लॉलीपॉप, और साथ में आज इसके सब्जी नहीं देने के बजाय मैं दे रही हूँ एक देसी आम का अचार, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आज का ये किया का टिफिन बॉक्स और मेरा लंच कॉम्बो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर जरूर बताइएगा, मैं करूंगी आपके कमेंट्स का इंतजार। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव। बाय बाय।